Today we are going to discuss what is artificial intelligence. In a simple words, हम artificial intelligence को कैसे explain कर सकते हैं? कोई भी machine जो कि एक human की तरह intelligent act कर सकती है, behave कर सकती है, decision ले सकती है, उसे हम एक intelligent machine कहते हैं. ठीक है, अगर हम अपनी डेफिनेशन को थोड़ा और फॉर्मलाइज करें तो बिहेवियर क्या है, बिहेवियर क्या होता है ह्यूमन का. आप इसको कोई प्रॉब्लम दें, इट कुड बी एनीथिंग, कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम, कोई गेम, कोई पजल, तो वो उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करे. ठीक है, आप इसको कोई सिचुएशन दें जिसमें इसको डिसीजन लेना है दिस और दैट, तो वो एक इंटेलिजेंट डिसीजन ले सके. And in certain circumstances, human can behave intelligent. Okay? This is the definition of artificial intelligence. What is a formal definition? कोई भी ऐसी machine जो अपने behavior से simulate करती है human intelligence को, that comes under the umbrella of artificial intelligence. ठीक है? When we talk about intelligence, हमारे पास कुछ basic elements होंगे, कुछ parameters होंगे जिसके बेस पे हम ये decision ले रहे हैं या ये चीज़ define कर रहे हैं कि कोई चीज़, कोई human, कोई machine अगर intelligent है तो उसमें कौन कौन सी capabilities होनी चाहिए. ठीक है, basically there are 5 elements, हम one by one इनको discuss करते हैं. ठीक है, first one is reasoning. Reasoning is आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, उससे हम लॉजिकल कोई रिजल्ट निकाल लें. अब हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, जैसे कि मैंने इंफॉर्मेशन दी कि एलिफेंट्स आर ग्रे एंड क्लाइड इज एन एलिफेंट. ठीक है, अब मेरे पास 2 फैक्ट्स आ गए कि जितने भी एलिफेंट्स हैं वो ग्रे हैं. ठीक है, और मैंने एक स्पेसिफिक नाम के साथ बता दिया कि ये एक एलिफेंट है. अब एज अ ह्यूमन मैं क्या कंक्लूड कर सकती हूँ, इट्स वेरी इजी कि मैं उसे ये कंक्लूड कर सकती हूँ कि अगर एलिफेंट ग्रे है, क्लाइड एक एलिफेंट है, तो क्या होगा, क्लाइड का कलर भी ग्रे ही होगा. ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या आता है, लर्निंग का एलिमेंट. लर्निंग क्या होती है कि हम कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं और उससे कुछ सीखते हैं. ठीक है, जिसको बेसिकली यहाँ पे मशीन लर्निंग इसकी एक्सप्लेनेशन बनती है. और व्हाट कम्स विद एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हम एक ट्यूटोरियल फॉलो करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, ट्यूटोरियल में उसने हमें कुछ पॉइंट्स सिखाए होंगे और आफ्टरवर्ड क्या होगा, हम इसको यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे प्रोवाइडेड ऑन दैट इंफॉर्मेशन. हमने एक सर्टन एनवायरनमेंट में बिहेवियर देखा, किसी सॉफ्टवेयर का उसके फीचर्स देखे, उसको समझा, उसको लर्न किया, और देन वी आर कैपेबल ऑफ यूजिंग, तो वो हमारा लर्निंग एलिमेंट है. नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे पास क्या होती है, वेरी सिंपल कि कोई भी आपको टास्क दिया गया है, अब आपने उसका सोल्यूशन निकालना है. ठीक है, अब इसमें 2 चीज़ें आती हैं. ठीक है, एक तो सर्च करना अपने सोल्यूशन तक पहुंचना, दूसरा ऑप्टिमाइज़ करना. ऑप्टिमाइज़ क्या है, मतलब मैं बेस्ट सोल्यूशन दूँ आपको जो टाइम भी कम लेगा और आपके स्पेस भी कम लेगा, मेमोरी रिक्वायरमेंट्स भी कम होंगी. तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास एक मेज सर्चिंग प्रॉब्लम है. ठीक है, अब क्या है कि इसमें माउस को हमने टारगेट दिया है कि उसने अ पीस ऑफ चीज़ फाइंड करना है. क्या होगा, माउस ट्रैवल करेगा एक जगह से दूसरी जगह तक. ठीक है, ट्रैवल करने के बाद उसको लगता है कि ये एक डेड एंड है. ठीक है, वो वापस आएगा, वहाँ से किसी और पाथ को फॉलो करेगा. उस पाथ को फॉलो करके भी ही कुड मतलब कुडन फाइंड एनीथिंग. ठीक है, तो वो अपनी सर्चिंग कंटिन्यू करेगा, डिफरेंट सॉल्यूशंस ट्राई करेगा और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने लग
कोशिश करेगा अंटिल उसको पीस ऑफ चीज मिल जाएगा। तब क्या हुआ, उसने कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप फॉलो करके सॉल्यूशन फाइंड कर लिया और अल्टीमेटली अपने टारगेट तक पहुंच गया। व्हाट इज दिस के आपने एक प्रॉब्लम दी और उसने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास, परसेप्शन, ठीक है। व्हाट इज परसेप्शन, परसेप्शन इज कि हम अपने एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन कैसे ले रहे हैं, ठीक है। अगर आपने एनवायरनमेंट में एक्ट करना है, बिहेव करना है, तो ऑब्वियसली आप एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करोगे, उससे कोई ना कोई नॉलेज लोगे, ठीक है। अब परसेप्शन, अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो हम एनवायरनमेंट से कैसे परसेप्ट करते हैं, तो इसका आंसर है कि हमारे पास डिफरेंट सेंसेस हैं, टच, स्मेल, हेयर, ठीक है। और अभी अगर इस चीज़ को मैं मशीन से रिलेट करूं, तो मशीन में वो सेंसेस क्या होंगी कि मशीन कैसे देखती है, थ्रू अ कैमरा, विजुअल इनपुट, सुनते कैसे हैं, ऑडियो इनपुट, और हम किसी चीज़ में डिफरेंट सेंसर्स यूज़ कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी सेंसर यूज़ कर सकते हैं, हम थर्मल कैमराज यूज़ कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए अपने एनवायरनमेंट से नॉलेज लेने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट इज लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। व्हाट इज लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक इज योर लैंग्वेज, ठीक है। अब हमारे पास ये इंटेलिजेंस किस चीज़ से रिलेट कर सकती है, कि आदर हम इसको स्पीकिंग से रिलेट कर सकते हैं या लैंग्वेजेस से, ठीक है। लाइक स्पीच के डोमेन में भी हमारे पास लिंग्विस्टिक ही है और एनएलपी के डोमेन में भी लिंग्विस्टिक है। अच्छा, इसमें डिफरेंट एग्जांपल हैं कोरोटोना अंसरे, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली क्या है, वर्चुअल असिस्टेंट है, जो क्या करते हैं, हम हमारी क्यूरीज को आंसर करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई पुट अ क्वेश्चन, व्हाट्स द टेम्परेचर टुडे, ठीक है, और व्हाट इज़ द वे टू नियरेस्ट सुपरमार्केट, एंड असिस्टेंट क्या करेगा, वो इंफॉर्मेशन को सर्च करेगा, उसको ट्रांसफ़र करेगा और मुझे उसका रिजल्ट दोबारा स्क्रीन पे शो करवा देगा। अच्छा, यहाँ पे जब भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो बेसिक एलिमेंट्स के साथ देर इज़ वन मोर थिंग कि हमारे पास इंटेलिजेंट एजेंट्स किस तरह के होते हैं, ठीक है। उसमें पहला क्वेश्चन ये है कि एजेंट होता क्या है, ठीक है। एजेंट क्या होता है, एजेंट हमारा एजेंट इज बेसिकली अ मशीन, ठीक है। एजेंट क्या होगा, हमारे एआई सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है। और हमारा एआई सिस्टम क्या है, जिसमें एक एनवायरनमेंट है और एक एजेंट है। एजेंट क्या करेगा, बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट वो इंफॉर्मेशन परसीव कर रहा है थ्रू सेंसर्स और एक्शन परफॉर्म कर रहा है यूजिंग इट्स इफेक्टर्स, ठीक है। द डायग्राम गिवन बिलो इज एक्सप्लेनिंग इट वेरी वेल। मेरे पास एक एजेंट है, ठीक है, जो किसी एनवायरनमेंट में है। इस एनवायरनमेंट में क्या होगा, इंफॉर्मेशन होगी, इंफॉर्मेशन जाएगी मेरे एजेंट के पास थ्रू सेंसर्स। अब वो इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा और थ्रू इफेक्टर्स वो एक्शन परफॉर्म करेगा। अब मेरे पास एजेंट्स कितनी तरह के हो सकते हैं, ठीक है। हमारे पास बेसिकली तीन तरह के एजेंट्स हैं, ह्यूमन एजेंट, रोबोटिक एजेंट और सॉफ्टवेयर एजेंट। अच्छा, अब जब हम ह्यूमन एजेंट की बात करते हैं, तो देयर आर ऑर्गन्स टू सेंस और परसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरनमेंट, सच एज आइज, एयर, नोज, टंग एंड स्किन, और टू परफॉर्म द एक्शंस वी हैव हैंड्स, लेग्स, माउथ, ठीक है। नेक्स्ट इज रोबोटिक एजेंट। अब रोबोटिक एजेंट में क्या होगा, मेरे पास कैमराज होंगे,
इंफ्रारेड रेंज फाइंडर हो गए सेंस करने के लिए। और मेरे पास एक्चुएटर्स क्या हो सकते हैं, मोटर्स हो सकते हैं जिससे मैं कोई एक्शन परफॉर्म कर सकती हूँ। बट इस सॉफ्टवेयर रीजन मेरे पास इनकोडेड बिट्स होंगे जिसमें मैंने कोई प्रोग्राम डिफाइन किया होगा कि अगर ये क्यूरी है तो ये आउटपुट होनी चाहिए या ये इनपुट है तो ये आउटपुट होनी चाहिए। अच्छा, अभी हमने अभी तक ये देखा कि व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारे पास बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं और हमारे पास एजेंट्स के कितने टाइप हैं। ठीक है, दिस इज़ अ पिक्चर जो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फर्दर ब्रांचेस बता रही है। ठीक है, अगर हम इमीडिएट ग्रुप्स को देखें तो एआई में मेरे पास मशीन लर्निंग है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, एक्सपर्ट सिस्टम है, विजन है, स्पीच है, प्लानिंग एंड देन रोबोटिक्स। अच्छा, अब सबसे पहले इसमें हम मशीन लर्निंग पे आते हैं तो हमारे पास डीप लर्निंग है, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है। अगर इसको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूँ तो डीप लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग मेरे पास एक ऐसा टेक्निक है जिसमें आई हैव टू डिज़ाइन अ नेटवर्क। ठीक है, मैं कुछ लेयर्स डिफाइन करूँगी, अपना आर्किटेक्चर डिफाइन करूँगी और मेरा नेटवर्क ऑटो सेलेक्ट करेगा कि कौन से फीचर्स हैं जिसकी वजह से वो जिनको यूज़ करते हुए वो बेस्ट डिसीजन ले सकता है। ठीक है, सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है हमारे पास, देन वी हैव लेबल डेटा। ठीक है, हमने इमेजेस को क्लासीफाई करना है, हमने बाइनरी क्लासीफायर लेना है। अब क्लासीफायर में क्या होगा मेरे पास, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड में मेन डिफरेंस, सुपरवाइज्ड में मैंने अपने डेटा के लेबल पास किए हैं और अनसुपरवाइज्ड में मैं डेटा अनलेबल पास कर रही हूँ। अब लेबल और अनलेबल का क्या मतलब है, अगर मैं दो क्लासेस बना रही हूँ ए एंड बी, ठीक है, तो सुपरवाइज्ड में मैंने ए क्लास को अलग रख दिया, बी को अलग रख दिया। ठीक है, अब मेरे एल्गोरिथम को पता है कि इसमें जो भी डिटेल्स पड़ी हैं ए वाली फाइल में वो इसके फीचर्स ये मुझे बता रहे हैं कि ये क्लास ए से बिलोंग करता है, जबकि बी में जो पढ़ा है वो मुझे ये बता रहे हैं कि ये क्लास बी से बिलोंग करता है। अनसुपरवाइज में क्या होगा, मैं सिर्फ उसको डेटा पास कर रही हूँ और ये बता रही हूँ कि दो क्लासेस बनाओ, उसको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही कि ए क्लास में कौन सा फॉल करता है और बी में कौन सा। इन शॉर्ट मैं उसको कोई प्रायर नॉलेज पास नहीं कर रही। ठीक है, अच्छा, इसी तरह एनएलपी में अगर हम आते हैं तो मेरे पास डिफरेंट ब्रांचेस हैं। ठीक है, कंटेंट एक्सट्रैक्शन इज व्हाट के हम कोई भी वेबसाइट से कुछ कमेंट्स उठाते हैं। ठीक है, मैं उस कंटेंट से कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लूँ, जैसे कि नोकिया का एक फ़ोन लॉन्च हुआ है उस पर कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं, कौन से फीचर्स कस्टमर को पसंद आ रहे हैं, कौन से फीचर उनको यूज़ करना मुश्किल लग रहा है। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास क्लासिफिकेशन है, हमारे पास न्यूज़पेपर का एक डाटा आता है। ठीक है, दैट इज़ रैंडम। ठीक है, और मैंने उसको आई हैव टू सॉर्ट वेदर से कौन सी न्यूज़ बिलोंग करती हैं, स्पोर्ट्स से कौन सी न्यूज़ बिलोंग करती हैं, शोबिज से कौन सी न्यूज़ बिलोंग करती हैं, पॉलिटिकल कौन सी हैं। ठीक है, व्हाट इज़ नेक्स्ट इज़ मशीन ट्रांसलेशन। मेरे पास एक लैंग्वेज में डाटा है और मैं उसकी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करती हूँ। ओके, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन, देयर इज़ अ पर्सन हु ट्रैवल्स टू फ्रांस। ठीक है, अभी हो सकता है कि उसको उर्दू आती है, इंग्लिश आती है लेकिन फ्रेंच नहीं आती हो, तो वो ट्रांसलेटर के थ्रू क्या करेगा, अपने कम्युनिकेशन को कंटिन्यू रख सकता है, वो इंग्लिश में बात करे, उसको ट्रांसलेट करे फ्रेंच में और अपना सवाल दूसरों तक पहुंचा सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आंसरिंग क्या होगा हमारे पास, क्वेश्चन आंसरिंग विजुअल हो सकता है या टोटली टेक्सचुअल, कि हम अगर बात कर रहे हैं कि मैं कोई भी इसको इमेज दे दूं और मैं उससे पूछूं कि इसमें कितने पर्सन हैं, अब है वो मुझे बताए कि इसमें चार पर्सन हैं, ये सीन कौन सा है, इसमें ऑब्जेक्ट कौन से हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज टेक्स्ट जनरेशन। टेक्स्ट जनरेशन में हमारे पास क्या हो सकता है, अपने इनपुट दें, हो सकता है ये इनपुट विजुअल हो, लाइक
मेरे पास कोई ऑडियो है जिसके अगेंस्ट मैं कैप्शन जनरेट करवाना चाह रही हूँ, उसकी नरेशन बनाना चाह रही हूँ, तो क्या होगा? मैं उसको एक इनपुट दूंगी वीडियो और वो मुझे उसके अगेंस्ट उसकी डिटेल्स बता देगा। विजन में हमारे पास क्या, इमेज रिकॉग्निशन जिसकी एग्जांपल है सीन क्लासिफिकेशन। मेरे पास कोई विजुअल डाटा आता है, मैं क्या करूँगी उसमें से सीन को कैटेगराइज कर लूँगी, ठीक है। सिमिलरली मशीन विजन में मेरे पास यह आता है कि मेरे पास डिफरेंट चीज़ें हैं जो ह्यूमन परफॉर्म कर सकते हैं, मशीन भी उसी तरह से परफॉर्म करे। जैसे मैं जेंडर बता दूँ किसी को देख के, ठीक है, या मैं पर्सन को रिकग्नाइज कर लूँ। नेक्स्ट है स्पीच। स्पीच में वापस दो प्रॉब्लम्स है, वेरी सिंपल, स्पीच टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच, ठीक है। मैं ऑडियो डेटा देख के उसको टेक्सुअल डिटेल में कन्वर्ट कर सकती हूँ, ठीक है। यहाँ हो सकता है मैं वाइस वर्सा भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ कि टेक्सुअल डाटा दूँ और उसको स्पीच में कन्वर्ट कर लूँ, ठीक है। अदर हमारे पास जो ब्रांचेज हैं, देयर आर प्लानिंग एंड रोबोटिक्स,